हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो साथियों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी में 9800 वैकेंसीज आई हैं, तो काफ़ी पोस्ट की वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो कैंडिडेट्स के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि क्या और वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। तो साथियों इस पर हम बड़े आराम से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं, तो साथियों वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि आपने मॉर्निंग में या कल एक न्यूज़ देखी होगी कि 2 या 2.5 साल की बच्ची के साथ इतनी मतलब इतना गलत उस बच्ची के साथ किया गया, तो उस पर हम बात करेंगे अभी मॉर्निंग में। साथियों मैं वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इंसानियत इतनी शर्मसार कैसे हो सकती है और हम अपने आप को इंसान कैसे कह सकते हैं अगर हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो या न्यूज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी के अंदर यूपी के अलीगढ़ के पास की ये अपडेट है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 2 या 2.5 साल की एक बच्ची थी जिसको मतलब कई दिन पहले मार दिया गया था और उसकी अभी बॉडी मिली थी, डेड बॉडी, तो जिसमें उसे गला दबा के मारा गया है और हाथ काट दिया गया, उसका आँख निकाल ली गई। तो ऐसी बहुत ही बेरहमी से उस बच्ची को मारा गया है, मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकता। अब साथियों बात ये आती है कि ऐसा देखते हुए क्या हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को या हम समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम सुरक्षित समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों से जवाब जरूर चाहता हूँ। ऐसी घटना देखने के बाद जो हमारे समाज में बच्चे हैं या हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में बहुत डर महसूस होता है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो साथियों इस पर सबसे पहले जो मेरा मानना है, आप लोग भी अपने विचार जरूर दीजिए, ऐसे लोगों के लिए सजा बहुत मतलब छोटी सजा नहीं होनी चाहिए इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। इन लोगों को मतलब चौराहे पे लाने के बाद इनको मतलब इतने ही गंदे तरीके से उनको मारना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में ये अपराध रुक सके। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो कानूनी व्यवस्था है वो कुछ ना कुछ ढीली है। अपराधी मतलब जो केस करते हैं तो उनको मतलब काफ़ी टाइम के बाद तो उनको सजा दी जाती है, फिर जमानत पे आ जाते हैं, मतलब ये सारा खेल चलता रहता है। और अभी आप जैसे इनके बारे में जानते हैं जिन्होंने मतलब ये गंदी हरकत की है, तो मैं दिल से बताऊं हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम अपने आप को इंसान कह रहे हैं। साथियों मेरा मानना है कि अगर इंसान ऐसे होते हैं तो मैं अपने आप को इंसान नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे इंसानों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता जो इंसान बच्चों के साथ मतलब हमारी बहन बेटियों के साथ इतनी गलत हरकतें करते हैं और हमारे जो समाज के बच्चे हैं जो असुरक्षित महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए जिससे हम समाज को आगे ले जा सकें, यानी कि समाज में ऐसी हरकतें करें। तो मैं अपने आप को इस अगर ऐसे इंसान होते तो मैं अपने आप को इंसान बिल्कुल नहीं कहूँगा। ऐसे इंसानों से पशु पक्षी जानवर मतलब ये भी बहुत अच्छे हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन शायद उनके दिल में बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन इन लोगों के बोलते हुए इन लोगों के दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती। इन लोगों के लिए साथियों बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। तो साथियों बहुत बुरा लगा और मैं दिल से बताऊँ मैं शब्दों में नहीं बोल सकता कि मतलब कितना गलत इन लोगों के साथ होना चाहिए, मतलब और उस बच्ची के साथ कितना गलत किया इन लोगों ने। तो साथियों बहुत दुख हुआ, देश में ऐसे बच्चों के साथ ये क्राइम हो रहे हैं। आसिफा के साथ एक बच्ची थी उसके साथ क्राइम हुआ था, अभी ये मतलब हालांकि इसके साथ तो बताया जा रहा है कि रेप की कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन अभी और अपडेट आएंगी इसमें भी। तो साथियों अभी हम बात करते हैं, इसके बाद जो DSSB से जुड़ी हुई कुछ अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो 1900
9800 जो वैकेंसीज आई हैं, क्या उन वैकेंसीज में, मतलब जो और वैकेंसीज नहीं है, लिमिटेड वैकेंसीज है उसमें टीजीटी की, तो क्या और वैकेंसीज जो बची हुई हैं जो इसमें नहीं है, क्या और वैकेंसीज आएंगी, क्या टीजीटी की और वैकेंसीज आएंगी जो 9800 वैकेंसीज में नहीं है? तो साथियों आपको बताना चाहता हूँ, जो 9800 में वैकेंसीज हैं इनके अलावा भी जिन कैंडिडेट्स की इनमें वैकेंसीज नहीं आई हैं टीजीटी की, उनके लिए आने वाले कुछ टाइम बाद जल्द से जल्द और वैकेंसीज उनको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, और ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है। तो साथियों इसमें क्या है कि ये वैकेंसीज इतनी सारी क्यों हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इन जो ये वैकेंसीज हैं इसमें काफ़ी पोस्ट बची हुई हैं, और ये थोड़ा मतलब अर्जेंट था वैकेंसीज मतलब फिल करना, तो इस वजह से ये वैकेंसीज इतनी देखने को मिलेंगी आपको, और जो वैकेंसीज हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों आप टेंशन ना लें, जिनकी वैकेंसीज आई हैं वो अपने आराम से प्रिपरेशन करें, जिनकी नहीं आई हैं वो भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि किसी भी टाइम वैकेंसीज आ सकती है। तो साथियों यही अपडेट है आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया है तो साथियों आप बेझिझक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।